सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, क्या इन सब के जन्मदिन पर कुछ ऐसा खास नहीं था कि जिसके जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन किया जा सके? बीजेपी सावरकर के जन्मदिन के दिन नई संसद का उद्घाटन कर रही है। इसी बात पर 19 दलों ने नई संसद में जाने का बहिष्कार कर दिया है। अब संसद किसी एक की तो है नहीं, संसद तो हर देशवासी की है। तो अब लोगों से ही जान लेते हैं कि नई संसद का उद्घाटन किसके जन्मदिन पर होना चाहिए। नमस्कार, आपको पहचान। नमस्कार सर। अरे आपको, आपका हमेशा यही बता रही है कि आपका टीवी में बहुत अच्छा रिपोर्टिंग आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताए, नई संसद का उद्घाटन दिल्ली में हो रहा है, तीन ऑप्शन दे रहे हैं किसके जन्मदिन पर होगा तो आप खुश होंगे, महात्मा गांधी, सावरकर या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर? महात्मा गांधी। सब महात्मा गांधी। जीताइए। नमस्कार। दिल्ली में नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, आपके हिसाब से किसके जन्मदिन पर होना चाहिए, महात्मा गांधी, वीर सावरकर या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर? महात्मा गांधी। सावरकर क्यों नहीं? नहीं सावरकर नहीं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। अगर जितना भी पढ़ा है यूट्यूब और स्टोरी के माध्यम से, ये जाना कि उनका एक योगदान बहुत बड़ा था हमारे देश के लिए। क्या पढ़ा आपने यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से? देखिए कई राजनीति में तो राजनीतिक प्रोपेगेंडे आ जाएंगे ना। बहुत गुस्से वाले मालूम पड़ रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नाम क्या है? प्रभास सिंह। प्रभास जी, दिल्ली में नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, मालूम पड़ा? जी पड़ गया होगा। तो आप ये बताइए कि नई संसद का उद्घाटन किसके जन्मदिन पर होना चाहिए आपके हिसाब से? तीन ऑप्शन दे रही हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर, वीर सावरकर या फिर महात्मा गांधी। मुझे लगता है कि अगर तीनों में चुनना होगा तो राष्ट्रपिता को आपको पहले चुनना पड़ेगा। मैं नहीं, वो तो मुरमुर से करवा दीजिए। प्रेसिडेंट हमारी है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी से, द्रौपदी मुर्मू जी से जी। लेकिन वो तो कह रही है कि हम नहीं करेंगे, मोदी जी को करना चाहिए उद्घाटन। नहीं न्यूट्रल आदमी करे। महात्मा गांधी। अम्बेडकर। क्या बोल रहे? अम्बेडकर के। अच्छा, सावरकर जी के क्यों नहीं? नहीं सावरकर जी के पे नहीं, अम्बेडकर का संविधान है और संसद है तो वो अम्बेडकर जी के ही उस दिन लागू होनी चाहिए। सावरकर जी के उस पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि जो संसद भवन का उद्घाटन है, संसद हम सभी की है। सावरकर, महात्मा गांधी या बाबा साहेब अम्बेडकर? बाबा साहेब अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया है और संविधान जो निर्माता है उसके नाम पे अम्बेडकर, संसद का नाम भी होना चाहिए और उन्हीं के जन्मदिन पे उसका। आप बताइए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपके हिसाब से कौन, सावरकर, महात्मा गांधी या बाबा साहेब अम्बेडकर? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अच्छा आप बताइए बाबूजी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अच्छा आपके हिसाब से वीर सावरकर, महात्मा गांधी या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अच्छा सावरकर का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा है? वो तो कातिल है। महात्मा गांधी के कौन है? नहीं आरोप, आरोप लगा था उन पर। आरोप मारा नहीं था। उस तथा कथित वीर है ना। क्या चीज, क्या कह रही है? ये कह रहे हैं वो वीर है ना, उनके नाम के आगे वीर सावरकर लगा है। वीर सावरकर और महात्मा गांधी नहीं है, गांधी के नाम पर महात्मा लगा, कितना बड़ा वीर या महात्मा। वीर सावरकर के नाम से कर लिया। अच्छा महात्मा गांधी क्यों नहीं? उनके नाम से बहुत सारी चीजें हैं और अम्बेडकर जी के नाम से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके नाम से कम है, वो भी तो योगदान किए हैं आजादी में, उनके लिए करिए। अच्छा उनका सबसे बड़ा योगदान जो आपको याद हो? मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन है योगदान है बढ़िया। मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन है योगदान है बढ़िया। इतना सोचना पड़ रहा है। अम्बेडकर के नाम पर ही होना चाहिए है ना? आप बताएं। अम्बेडकर नाम, अम्बेडकर के नाम से है। नहीं हम तो सावरकर जी के जन्मदिन पर ही कहेंगे कि उद्घाटन में बहुत अच्छा रहेगा अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने हम हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहब को हिंदू नहीं मानते क्या? बिल्कुल मानते, बिल्कुल मानते हैं, सब में आस्था है। लेकिन सावरकर जी बड़े हिंदू हैं। नहीं वो बिल्कुल हिंदू ब्रांड है हम लोगों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर। सावरकर के जन्मदिन पर होना चाहिए। अशोक कुमार शुक्ला। महात्मा गांधी पे। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। सावरकर के जन्मदिन पर क्यों नहीं? नहीं वो एक धर्म विशेष से थे, महात्मा गांधी सारे धर्मों को लेके चलते थे। प्रज्ञा मिश्रा मैं बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं लोगों से बात करती हूँ, सवाल करती हूँ लोगों से, अगर आप इजाजत दें तो आपसे बात कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, दिल्ली में नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, अब उद्घाटन किसके जन्मदिन पर होना चाहिए ये तो मैं जनता से पूछने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि संसद तो हर देशवासी की है, क्यों मैडम है ना? जी जी बिल्कुल। तो यही पूछ रहे हैं कि आपके पास तीन ऑप्शन है किसके जन्मदिन पर होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सावरकर? वैसे तो अम्बेडकर साहब के पे होना चाहिए जिन्होंने संविधान दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचयिता है, इसलिए उन्हीं के जन्मदिन पर इसका उद्घाटन होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सही भाई साहब ने बोला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं, इवन हमारे बापूजी भी
हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं उनके ऊपर होना चाहिए। सावरकर तो एक एजेंडा है जो लाया गया है, और इस एजेंडे को ज़बरदस्ती पब्लिक को समझा समझा के थोपा जा रहा है, जिससे लोग गुमराह भी हो रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सावरकर के जन्मदिन के दिन नई संसद का उद्घाटन कोई एजेंडा है, क्या कहते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल एजेंडा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल एजेंडा है, इसका बहिष्कार होना ही चाहिए। जिस तरह से अभी कर्नाटक में बहिष्कार हुआ है, इसी तरह से अब धीरे धीरे पूरे देश में बहिष्कार होगा। तो सावरकर से दिक्कत क्या है? देखिए, सावरकर से दिक्कत इस तरह से है कि सावरकर के बारे में देखिए, सब पहली बात तो जो भी सूचनाएं बीजेपी की तरफ से दी जाती हैं सावरकर के बारे में, उनका कोई तथ्य नहीं, आधार नहीं मिलता जो उनकी अच्छाई के बारे में बताई जाती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मिलता है कि सावरकर जी को बड़ा महान बनाने के लिए, जैसे मैं भी जी बोल गया, जी लगाना उनके लिए, और वो उनको ये बताना कि नहीं, उन्होंने देश के लिए बहुत त्याग किया। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो लगता है कि नहीं, सावरकर जी का तो कहीं कुछ है ही नहीं, उन्हें तो ज़बरदस्ती एजेंडा बनाया जा रहा है।